तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रज्वल और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं प्रज्वल रोबोटिक्स यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक काफी अच्छा एक 25 वाट का सोल्डिंग आयरन बनाकर दिखाने वाला हूं और वो भी गाइस काफी कम पैसों के अंदर। और जो हम गाइस जो मार्केट से सोल्डिंग आयरन लेकर आते हैं वो लगभग 150 से 200 तक उसका प्राइस होता है, जिससे हमारे काफी ज्यादा पैसे वेस्ट हो जाते हैं। बट आज मैं आपको जो सोल्डिंग आयरन बनाकर दिखाने वाला हूं उससे आपके काफी ज्यादा पैसे बच जाएंगे और वो जो सोल्डिंग आयरन होगा काफी लॉन्ग टाइम तक चलेगा, सालों साल भी चलाओगे तब भी वो खराब इतनी जल्दी नहीं होने वाला। तो वीडियो में गाइस काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पे सेट कर देना, उससे आपको आने वाले जो वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप और नए-नए यूजफुल प्रोजेक्ट मेकिंग की वीडियो देख पाओगे, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलो गाइस आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस यहां पे मैं जो अप्रोक्स 23 एमएम का एक पाइप ले रहा हूं, जिसकी गाइस हम जो है लेंथ लेने वाले हैं वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। इस पाइप की गाइस हम जो लेंथ लेने वाले हैं वो यहां पे 4 इंच लेने वाले हैं। तो 4 इंच के ऊपर हम इस पाइप के ऊपर यहां पे मार्क लगाएंगे, उसके बाद मार्क लगाने के बाद हम इस पाइप को जो है ब्लेड के द्वारा कट कर लेंगे। तो चलो फटाफट से गाइस इसको कट कर लेते हैं। तो देखो गाइस यहाँ पे मैंने जो पाइप के ऊपर मार्क लगा के पाइप को ब्लेड के द्वारा कट कर लिया। तो अभी किस हम क्या करेंगे कि इस पाइप को जो है एक साइड से बंद करने के लिए हम जो है कैप बनाएंगे। तो कैप बनाने के लिए यहाँ पे मैं जो पीवीसी पाइप की शीट का यूज करने वाला हूँ और इस शीट को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आपको नहीं आती तो मैं आपको बता देता हूँ आपको गाइस क्या करना है। कोई भी पीवीसी पाइप लेनी है उसको आपको बीच में से कट करना है, उसके बाद हीट गन के द्वारा आपको जो इसको हीट कर लेना है और हीट करने के बाद आपकी जो शीट है वो तैयार हो जाएगी। और अगर आपके पास गाइस जो है हीट गन नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जहाँ पे आप जो है चूल्हे के ऊपर खाना बनाते हो घर पे, तो वहां पे आपको गाइस क्या करना है उस पाइप को गर्म कर लेना है तो आपकी जो शीट तैयार हो जाएगी। और इसके बाद गाइस हम क्या करेंगे कि जो है पीवीसी पाइप की शीट के टुकड़े के ऊपर यहाँ पे जो है मार्क लगाएंगे मार्कर के द्वारा या फिर जो है पेंसिल के द्वारा। और उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे कि इसको जो है कैंची के द्वारा कट कर लेंगे। तो चलो फटाफट से गाइस जो है कट कर लेते हैं। तो देखो गाइस यहाँ पे मैंने जो कैंची के द्वारा पीस को कट कर लिया। तो अभी गाइस हम इसको जो है पाइप के जो है एक साइड पे चिपका देंगे, चाहे इधर चिपका लो चाहे इधर चिपका लो, बात एक ही है। तो इसको गाइस जो है चिपकाने के लिए यहाँ पे मैं जो सुपर ग्लू का यूज करने वाला हूँ, 5 रुपए वाली फेविक्विक आती है जो। तो गाइस यहाँ पे मैंने जो पाइप के ऊपर इस पीस को चिपका दिया और इसको बंद कर दिया है और साइड से जो मैंने सैंड पेपर से फिनिशिंग भी दे दिया ताकि ये जो देखने में अच्छा लगे। तो अभी के हम क्या करेंगे कि जो हमने यहाँ पे पीस लगाया है इसको जो बिल्कुल मिड में यहाँ पे एक छोटा सा होल करेंगे। तो छोटा सा होल करने के लिए यहाँ पे मैंने जो छोटा सा स्क्रू ड्राइवर यूज करने वाला हूँ, तो इसके ऊपर रखेंगे और गोल गोल घुमा देंगे तो इसके अंदर जो आराम आसानी से जो है होल हो जाएगा। तो देखो गाइस यहाँ पे मैंने जो इसके जो है बिल्कुल मिड में जो है होल कर लिया छोटा सा। तो अभी गाइस यहाँ पे मैं जो है एक प्लग वाली वायर ले रहा हूँ, इस वायर को हम जो है इस होल के अंदर से जो हमने होल करा है इसके अंदर जो यहाँ पे इस टाइप से डाल देंगे और दूसरी साइड से हम जो यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे। और दूसरी साइड से गाइस जो है वायर को निकालने के बाद हम जो यहाँ पे एक छोटी सी जो है गांठ बांध देंगे ताकि जो वायर खींचने पर टूटे ना, क्योंकि कई बार जो यहाँ से वायर खींच के टूट जाती है तो ये जो सोल्डरिंग आयरन हमारी जो है खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम जो यहाँ पे एक गांठ पहले से ही बांध देते ताकि वायर जो है वहीं पे रुक जाए। तो अभी गाइस यहाँ पे मैं जो है 25 वाट का जो है एक एलिमेंट ले रहा हूँ सोल्डरिंग आयरन का और ये मुझे जो 20 रुपए का मिला और अलग अलग जगह के हिसाब से जो अलग अलग इसका प्राइस भी हो सकते हैं, जहां पे आप रहते हो सकते इसका वहां पे प्राइस जो है कम ज्यादा भी हो। और ये गाइस जो एलिमेंट है ये आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के शॉप पे ही मिलेगा, ठीक है। तो अभी गाइस हम क्या करेंगे कि इस जो है सोल्डरिंग आयरन के एलिमेंट के ऊपर यहाँ पे जो है दो जो है पिन होती है, यहाँ पे देख सकते हो एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, और इसके जो है गाइस एक साइड पे यहाँ पे जो है एक डायोड भी लगा रहता है। और अगर आप जो एलिमेंट जो लाते हो उसके ऊपर अगर डायोड नहीं लगा हुआ तो उसके ऊपर आपको जो डायोड का जो पॉजिटिव वाला जो लेग है उसके उसको जो है आपको इस जो है सोल्डरिंग आयरन के एलिमेंट के एक पिन के साथ यहाँ पे लगा देना, चाहे किसी भी पिन के साथ लगा दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बट पॉजिटिव वाला लगाना, दूसरे वाला नहीं लगाना, ठीक है। तो अभी गाइस हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो डायोड का जो नेगेटिव वाला पॉइंट है और यहाँ पे दूसरा वाला जो पिन है इन दोनों के ऊपर हम जो ये वाले दो वायर हैं इन दोनों के ऊपर जो एक एक लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेप लगा देंगे ताकि कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो। तो चलो फटाफट से गाइस पहले ये कर लेते हैं।
तो देखो गाइस यहाँ पे मैंने जो दोनों जो है वायर कनेक्ट कर दिए, दोनों के ऊपर टेप भी लगा दिया अच्छे से, ताकि गाइस जो कोई भी जो शॉर्ट सर्किट ना हो, आपको भी अच्छे से टेप लगानी है। तो अभी गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये पाइप है इसके अंदर से ये जो वायर है ये यहाँ पे इसके अंदर जो है डाल देंगे कुछ इस टाइप से। तो सारी वायर गाइस जो इस पाइप के अंदर डालने के बाद अभी हम इसको जो है इसके अंदर यहाँ पे इस एलिमेंट को इसके अंदर यहाँ पे लगा देंगे इसके आगे की साइड में, और इस एलिमेंट को इसके आगे की साइड जो है रोक के रखने के लिए यहाँ पे काफी सारे जो तरीके हैं। पहला तरीका गाइस जो है सबसे सिंपल है, ये है कि हम इसको यहाँ पे सुपर ग्लू के द्वारा चिपका देंगे। दूसरा तरीका गाइस इसका ये है कि यहाँ पे जो है छोटे छोटे जो है यहाँ पे तीन होल भी दिए हुए हैं यहाँ पे, ताकि इसको जो स्क्रू के द्वारा यहाँ पे रोका जा सके। बट जो मैंने यहाँ पे जो स्क्रू के द्वारा इसको नहीं रोकने वाला, आप इसको चाहो तो स्क्रू से जो है रोकने वाला बना सकते हो, उसे आप इसको दोबारा खोल के कभी ये जो खराब होता है तो चेंज भी कर सकते हो। बट गाइस ये इतनी जल्दी खराब नहीं होने वाला, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है, तो जो है ऐसे जल्दी खराब नहीं होगा। तो हम इसको जो यहाँ पे सुपर ग्लू के द्वारा ही चिपका देंगे, क्योंकि हमें इसको खोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कौन सा इसके अंदर इंडिकेटर वगैरह लगाया है कि वो खराब हो जाएगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। जब ये एलिमेंट गाइस जो खराब होगा तब हम इसको निकाल देंगे यहाँ से एकदम से, यहाँ पे जो है कोई भी आपको नुकीली चीज है इसको इसके अंदर घुसा देनी है तो ये जो निकल जाएगा, और उसके बाद इसको आप चेंज भी कर सकते हो, 15 या 20 रुपए के अंदर आपको दोबारा मिल जाएगा नया, तो उसको आपको इसके अंदर लगा देना है। तो चलो फटाफट से इसको जो सुपर ग्लू के द्वारा चिपका देते हैं। तो अभी किसी में सोल्डर ग्राइंड के आगे की साइड में जो सोल्डर ग्राइंड बिट लगाएंगे, और ये जो बिट है मुझे 15 रुपए की मिली है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की शॉप से, जहां पे आप रहते हो सकते हैं वहां पे इसका जो प्राइस है वो कम ज्यादा भी हो। तो इसको कैसे जो लगाने के लिए पहले इसके अंदर जो यहाँ पे एक लॉक दिया रहता है, इस लॉक को हम जो यहाँ से निकाल देंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने जो लॉक को प्लायर की मदद से निकाल लिया। तो अभी किसी हम क्या करेंगे, इसका जो होल है वो काफी ज्यादा प्रेस हुआ हुआ है, मतलब छोटा हो गया हो इसका जो होल है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको जो कैंची के द्वारा यहाँ पे इसका जो होल है यहाँ पे बड़ा कर देंगे, और जब बड़ा कर देंगे इसके ऊपर जो है आसानी से यहाँ पे ये जो है लग जाएगा, देख सकते हो कुछ इस टाइप से हमें जो इसके ऊपर लगा देना है। अभी हम क्या करेंगे कि इस बिट को जो लॉक करने के लिए जो इसका लॉक आया था उसको हम जो यहाँ पे लगा देंगे, ताकि ये जो बिट है इसके अंदर से जो है बार बार निकल ना जाए। तो देखो गाइस यहाँ पे मैंने जो सोल्डरिंग आयरन के एलिमेंट के ऊपर जो यहाँ पे बिट को भी लगा दिया है, और फाइनली गाइस हमारी जो सोल्डरिंग आयरन बनके रेडी हो चुकी है 25 वाट की। तो चलो गाइस फटाफट से इसकी टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं किस तरीके से वर्क करती है और किस तरीके से ये जो सोल्डरिंग करती है। तो पहले गाइस यहाँ पे मैंने जो इसका जो प्लग है वो सॉकेट के अंदर लगा देता हूँ। तो गाइस मैंने इसका जो प्लग है वो सॉकेट के अंदर लगा दिया। तो अभी गाइस हम इसको लगभग 5 मिनट के लिए जो हीट होने के लिए रख देंगे। तो अभी मैं मिलता हूँ आपको 5 मिनट के बाद। 5 मिनट्स लेटर। तो गाइज इसको जो है 5 मिनट हो चुके हैं और ये जो हीट भी काफी ज्यादा हो चुकी है, बट आपको ऐसे तो नहीं दिखाई देगा। तो अभी यहाँ पे मेरे पास जो सोल्डिंग पेस्ट है, तो देखो गाइज यहाँ पे अभी आपको जो है यकीन हो गया होगा कि ये जो है हीट हो गई है। तो यहाँ पे मेरे पास गाइज जो है सोल्डिंग वायर है, तो यहाँ पे इसको भी मैं आपको मेल्ट करके दिखाता हूँ। तो देखो गाइज यहाँ पे जो है कितनी आसानी से ये जो सोल्डिंग वायर को जो है मेल्ट कर रही है। तो अभी मैं आपको सोल्डिंग भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे गाइस मेरे पास जो एक 4440 AC वाला एम्पलीफायर वाला बोर्ड है, इसके ऊपर मैं आपको जो एक वायर को सोल्डर करके दिखाऊंगा। तो ये वाला वायर है, इसके ऊपर पहले मैं जो थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे जो सोल्डर लगा लेता हूँ, ताकि अच्छे से सोल्डरिंग हो पाए। तो अभी मैं जो यहाँ पे वायर को सोल्डर करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने जो वायर को सोल्डर कर दिया है, तो देखो गाइस यहाँ पे ये जो वायर सोल्डर हो चुकी है काफी आसानी से, बहुत ही ज्यादा अच्छे से सोल्डरिंग ये जो है कर रही है। तो गाइस आपको कैसे लगी ये सोल्डरिंग आयरन मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और इसको बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी और ज्यादा पैसे भी नहीं लगे, बहुत ही कम पैसों के अंदर ये जो है हमारी सोल्डरिंग आयरन बन चुकी है 25 वाट की। और अगर आप ऐसी सोल्डरिंग आयरन 25 वाट की मार्केट में लेने जाओगे तो लगभग 150 या फिर 200 रुपए तक के आसपास आपको जो है ऐसी सोल्डरिंग आयरन मिलेगी, तो काफी आपके पैसे भी बच जाएंगे। तो आपको गाइस जो है कैसे लगी ये सोल्डरिंग आयरन मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐसी और यूजफुल प्रोजेक्ट में की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऊपर सेट कर देना, उससे आपको आने वाली जो वीडियोस होंगी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप और नए नए यूट्यूब प्रोजेक्ट मेकिंग वीडियो देख पाओगे। तो मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।